students, welcome to you all in today's class of English. Open your textbook. Open page number 39. Activity 5. Follow the story as your teacher reads it. Read it silently. Read some parts aloud as your teacher asks you to do. Here in activity 5, one story is given that you have to read. यहाँ पे activity 5 में एक story दी गई है, उसे आपको read करना है. So you just read after me. Let's start. Hello friends, my name is Yash and I am studying in 5th standard. I am a healthy boy and always follow hygiene tips that my parents and teachers have suggested me. I want to share my routine with all of you. I hope you will like it. Now see here in this story there is a boy named Yash and he is studying in 5th standard. यहाँ पे इस स्टोरी में यश नाम के एक बॉय का नेम बताया गया है और वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता है. वो आप सबको हेलो बोल रहा है और वो बता रहा है कि वो एक हेल्दी बॉय है. He is a healthy boy and always follow hygiene tips. और हमेशा hygiene means स्वच्छता के लिए tips follow करता है और वो tips उसे उसके parents और teachers ने suggest किए हैं means उसके parents और teachers ने उसको बताया है कि स्वच्छता के लिए क्या tips ज़रूरी है. सो इसीलिए यश हाइजीन टिप्स उसके टीचर्स और पेरेंट्स के बताए अनुसार फॉलो करता है. ही सेइंग दैट ही वांट्स टू शेयर हिज रूटीन विथ ऑल ऑफ अस एंड ही आल्सो होप्स दैट वी ऑल विल लाइक इट. वो कह रहा है कि उसे अपना रूटीन हम सबके साथ शेयर करना है और उसे ऐसी आशा है कि हमें उसका रूटीन पसंद आएगा. आई ऑलवेज वेक अप अर्ली एट 6 AM देन आई गो फॉर अ वॉक इन द गार्डन एंड एक्सरसाइज. मैं हर रोज जल्दी से सुबह 6 बजे उठता हूँ और फिर मैं गार्डन में वॉक करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए जाता हूँ. आई ब्रश माई टीथ एवरी डे इन द मॉर्निंग. आई टेक बाथ एवरी डे. मैं हर रोज सुबह अपने टीथ को ब्रश करता हूँ. टीथ यानी कि दांतों को ब्रश करता हूँ. मैं हर सुबह नहाता भी हूँ. आई वॉश माई हैंड्स एंड माउथ बिफोर ईटिंग. मैं खाने से पहले अपने हाथ और मुंह धोता हूँ. आई ऑलवेज वॉश माई हैंड्स विथ सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. मैं हमेशा टॉयलेट को यूज़ करने के बाद अपने हाथ
साबुन से धोता हूँ। I trim my fingernails regularly। मैं regularly अपने फिंगर नेल्स कट करता हूँ। ट्रिम मीन्स टू कट। सो यश रेगुलरली अपने फिंगर के नेल्स कट करता है। माय मदर वॉशिस माय क्लोथ्स रेगुलरली। मेरी मम्मी मेरे कपड़े रेगुलरली वॉश करती है। आई ऑलवेज हैव बैलेंस्ड डाइट विथ लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड वाटर। मैं हमेशा बैलेंस डाइट लेता हूँ। बैलेंस डाइट मीन्स समतोल आहार। और उसमें क्या वो खाता है? बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स और वाटर। ये हमेशा अपने बैलेंस डाइट में यश खाता है। आई ईट लेस जंक फूड। मैं बहुत ही कम जंक फूड खाता हूँ। I watch TV from a certain distance। मैं एक certain distance यानी कि हमेशा एक fixed distance से कुछ fixed distance से TV देखता हूँ। I always read in adequate light। मैं हमेशा adequate means enough light में ही रीड करता हूँ। जो इनफ लाइट होती है उसमें ही वो रीड करता है। क्यों इनफ लाइट में रीड करता है? क्योंकि अगर लाइट कम होगी तो हमारी आइज में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई ऑलवेज कीप द एरिया अराउंड माई होम क्लीन। मैं हमेशा अपने घर की आसपास का एरिया क्लीन रखता हूँ, साफ रखता हूँ। I go to bed early in the evening। और मैं जल्दी से सो भी जाता हूँ। So यश के जो हाइजीन टिप्स हैं उसका जो रूटीन है वो बहुत अच्छा है। और ये उसको उसके पेरेंट्स और टीचर्स ने सिखाया है तो वो ऐसे ही अपने टिप फॉलो करता है। So children, hope you have your own routines. Now, there are some word meanings for you to follow means to obey, hygiene means health, to suggest means to give tips, routine means every day, to trim means to cut, balanced means good, diet means food, certain means fixed, or adequate means enough. You have to write these word meanings in your notebook. Have a nice day. Goodbye.